कट्टा सिलाई मशीन में धागा कैसे डालते हैं, आज हम ये बताएंगे आपको। मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से। हमारा ये केचुआ खाद का हमने प्लांट लगा रखा है और ये हमारा जो है ये कट्टा है, हमने प्रिंट करा है। प्रिंट करा के मतलब ये भर रहे हैं हम अभी इनको। तो इनकी जो सिलाई करते हैं सिलाई मशीन से, उसके बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो किस तरह से इसको धागे को नलकी को लगाते हैं, सबसे पहले ये नलकी है जो यहाँ पर ये लगी हुई है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो है ये पाइप है एक तरह से, इसमें यहाँ से पहले इसमें निकलेगा धागा, उसके बाद में धागा इस पाइप में से आगे यहाँ से छेद है इसमें ये निकलेगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा इसके अंदर से। अगला स्टेप ये है, फिर इसको यहाँ से घुमा देंगे, इसके ऊपर से ऐसे घुमा देंगे, फिर यहाँ पर नीचे ये लगा हुआ है, यहाँ से इसमें छेद में से निकालेंगे, फिर इसके बाद में इसको यहाँ घुसाएंगे इसके अंदर इस जगह पर। ये यहाँ से ऊपर से दिख रहा है, आप देखें इसको, मैं दिखा रहा हूँ, इसको पट रखो अभी ऐसे, यहाँ पे आएगा धागा, ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर ये पाइप है, ये रहा लोहे का, तो इस पाइप के अंदर से होते हुए फिर ये नीचे से जाएगा, नीचे से यहाँ जाएगा और यहाँ जाके ये अंदर लग जाएगा इसके अंदर जो है सुई के अंदर। और सुई के अंदर लगाने के बाद इसको अंदर भी डालना पड़ता है, तो अंदर कैसे डालते हैं मैं वो भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसे ऊपर उठाओ थोड़ा सा, हाँ ऐसे, जब ये यहाँ से अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे इसको ये घूम रहा है यहाँ से, एक ये इसका लोहे का ये छड़ है जो घूम रही है, इसमें अटका के इसको यहीं से ही जहाँ से हमने धागा डाला है ऊपर से, यहीं से ही इसको बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकाल के ये पीछे की तरफ आ जाएगा इस साइड में, यहाँ से ये बाहर निकल के पीछे की तरफ आ जाएगा। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई ये सिलाई मशीन में धागा डालने का प्रोसेस क्या होता है। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से।